एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र में टुंडला रोड पर अचानक बाइकों से भरे कंटेनर में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 41 पल्सर और 5 प्लैटिना बाइक जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के पंत नगर से चालक गुजरात मोटरसाइकिल कंटेनर में लाद कर ले जा रहा था, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। जब तक ड्राइवर को समझ पाता तब तक आग चारों ओर फैल गई। हालांकि आग बुझाते वक्त कंटेनर का चालक भी बुरी तरह से झुलस गया। कंटेनर में हुए भीषण अग्निकांड में बजाज मोटरसाइकिल कंपनी का लाखों का नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है। तो वहीं गाजियाबाद के इंद्रपुरम में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। वैभव खंड में बनी दुकानों में भीषण आग लग गई। दुकानों में आग लगी देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। आग की स्थिति इतनी भयावह थी कि अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू नहीं पा सकी। फायर ब्रिगेड के कई टैंकर मौके पर आग बुझाने में जुटे हैं। हालांकि इस हादसे में किसी जनमाल की नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आग लगने का कारणों का भी अभी तक स्पष्ट कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन जाहिर है कि किसी की नजरअंदाजी और लापरवाही का खामियाजा इन दुकान मालिकों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आग बड़ी भयानक है और इस वजह से इस मार्केट में मौजूद दुकान नंबर 5, 6, 7 ये तीनों दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मार्केट में आग लगने के कारण आसपास के रिहायशी इलाकों में फैले धुएं ने लोगों को परेशान कर दिया। शाम लगभग 19:06 पर फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। जीसी ग्रांड करके मार्केट है राघव खंड में, जिसमें 4 दुकानों में आग लगी थी। तत्काल हमारी 3 गाड़ियां फायर स्टेशन वैशाली से घटनास्थल पर भेजी। यहां के देखा तो 3 दुकानों में रेस्टोरेंट संचालित था, 1 आइसक्रीम पार्लर था जिसमें आग फैली हुई थी। तत्काल सभी गाड़ियों से होश फैलाते हुए टीम ने आग को बुझाया। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। लगभग 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से आग को काबू कर लिया गया था और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देने के लिए हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ स्थिति है वहां पे? बताया जा रहा है कि आग बहुत भयानक तरीके से लगी है, क्या कुछ कहना है और क्या माहौल है वहां पे? जी अर्चना, मैं आपको बता दूं कि जो इंद्रपुरम में आग लगी थी, इसमें अब फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और अभी तक कोई जानहानि की सूचना नहीं आई है। वहीं दमकल विभाग ने सारी चीजें इसको अपने काबू में ले लिया है और कोई भी जनहानि नहीं हुई और ना ही किसी की हताहत होने की खबर आई है। जी अंकित, क्या लगता है कोई कुछ कारण पता चल पाया है किस वजह से आग लगी? क्या ये कोई शॉर्ट सर्किट था या जानबूझ के लगाई गई थी आग? जी साफ तौर पर अर्चना मैं बता दूं कि अभी तक इसमें कोई भी क्लू निकल के नहीं आया है। वहीं अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं और अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किस तरह से आग लगी है। जहां तक कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आग जो है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी है। जी अंकित, क्या कुछ अनुमान आ पाया है कि अभी तक कितना नुकसान हो पाया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 दुकानें तो पूरी तरीके से खाक हो गई हैं। अर्चना जी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि अभी तक उसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हालांकि अभी जांच चल रही है। उसमें जो दुकान मालिक हैं इसकी गणना कर रहे हैं कि कितने का इसमें नुकसान हुआ है। और साथ ही आपको बता दूं कि आग की लपटें इतनी थी जिसके धुएं के कारण वहाँ के सोसाइटी के लोग बड़े परेशान रहे। और अंकित, क्या उन लोगों की सुरक्षा के लिए या उन लोग के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आग के धुएं की वजह से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी मैं बता दूं कि अभी फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है और बाकी प्रशासन इस पे लगातार नजर बनाएगा, जल्दी इसमें कुछ न कुछ कार्य आगे बढ़ेगा। ठीक है अंकित, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। जी तो आग इतनी भयानक थी जिसमें 3 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।